शारदा ओसीएम में कोयले का खनन वर्ष 1987 में पारंपरिक खुली खदान पद्धति द्वारा प्रारंभ हुआ, जिसमें मूलतः ऊपरी सीम जिसकी औसतन मोटाई 5 मीटर थी का खनन किया गया। पतले कोल सीम के मौजूदगी के बावजूद उचित लाभ न मिल पाने की अवस्था में सन 2009 तक खनन कार्य बंद कर दिया गया। शारदा ओसीएम में ऊपरी सीम के अलावा 3 पतले कोल सीम हैं, जिनकी औसतन मोटाई 1 से 1.5 मीटर तथा सतह से गहराई 18 से लेकर 60 मीटर तक है। अनुमान के तौर पर इन पतले सीमों में कुल 90 लाख टन से भी ज़्यादा खनन युक्त कोयला उपलब्ध है। ये कोयला सीम प्रकृति में इस तरह से अवस्थित हैं कि आर्थिक या तकनीकी के मद्देनज़र कोयले का उत्खनन न तो खुली खदान पद्धति द्वारा और न ही भूमिगत खदान के द्वारा किया जा सकता है। अतः इन सीमों के उत्खनन हेतु वर्ष 2010 में हाईवाल पद्धति कार्यान्वित किया गया। इस तकनीक में हाईवाल मशीन का योगदान सर्वोपरि है। हाईवाल माइनर के मुख्य भाग कटर हेड, रील एवं चेन, बेस यूनिट, कंट्रोल यूनिट, पुश बीम और डिस्चार्ज यूनिट है। इस विधि में सर्वप्रथम ट्रेंच का निर्माण किया जाता है, जिसका आयाम कोयला सीम की अवस्थिति पर निर्भर होता है। इसके पश्चात मशीन का कटर हेड कोयला सीम को टच करता है और बारी बारी से ट्रेंच के दोनों दिशाओं में सतह के अंदर ही अंदर 250 मीटर तक की दूरी के कोयले का खनन कर देता है। एक ड्राइवेज में 250 मीटर पूरा होने के बाद कटर यूनिट को बाहर निकालकर दूसरे ड्राइवेज में लगाया जाता है और इस तरह से पूरे सीम के कोयले का खनन कर लिया जाता। ऐसे हर दो ड्राइवेज के बीच एक वेब पिलर छोड़ा जाता है, जो कि सपोर्ट का कार्य करता है। वेब पिलर का आयाम कोयला सीम के अवस्थिति पर निर्भर करता है। पुश बीम, जो कि कटर हेड से जुड़ा रहता है, इसका आयाम 6 मीटर लंबा और 3 मीटर चौड़ा होता है। इसके अंदर ऑगर्स होते हैं, जो कटर हेड द्वारा कटे हुए कोयले को परिवहित कर डिस्चार्ज यूनिट के माध्यम से बाहर निकाल देते हैं। तत्पश्चात कोयले को लोडर एवं डंपर द्वारा ट्रेंच के बाहर भेज दिया जाता है। इस तकनीक के लाभ पर नज़र डालें तो सर्वप्रथम यह सुरक्षा का अवधायक है। हाईवॉल मशीन का अधिकतम हिस्सा दीवाल से कम 20 मीटर की दूरी पर स्थित होता है, जिसके अंदर से ही संचालन एवं रखरखाव का कार्य किया जाता है। अतः इस विधि से भूमिगत पद्धति की तरह न तो किसी को सतह के अंदर जाने की आवश्यकता है और न ही किसी जोखिम भरे पत्थर के आसपास खड़े होने की ज़रूरत। ये विधि मौजूदा समय में अन्य किसी भी कोयला खनन के तकनीक की तुलना में पर्यावरण का सबसे बड़ा मित्र है। इसमें भूमि का क्षय नहीं के बराबर होता है। उत्पादन के दौरान ध्वनि प्रदूषण और कोयले के धूल के कारण प्रदूषण भी नहीं के बराबर होता है। चूंकि ट्रेंच का दायरा खनन के दायरे की तुलना में अत्यंत परिमित होता है, इससे उत्पन्न अन्य समस्याएं जैसे पुनर्वास एवं पुनर्विस्थापन, निर्वनीकरण इत्यादि खुली खदान विधि के मुकाबले सीमित होता है। इसके साथ साथ विस्फोटन का कार्य ट्रेंच खुदाई तक सीमित होने की वजह से भूमिकंपन एवं फ्लाई रॉक की मुसीबतें भी परिरुद्ध होती हैं। शारदा हाईवॉल खदान को इसके उत्कृष्ट पर्यावरण प्रबंधन हेतु वर्ष 2012 में मध्य प्रदेश वन्य एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा पुरस्कृत भी किया जा चुका है। गत वर्षों में इस तकनीक से शारदा हाईवॉल खदान में हुए उत्पादन एवं लाभ को देखें तो पता चलता है कि वर्ष 2011-12 से लेकर वर्ष 2016-17 तक लगभग 25 लाख टन कोयले का उत्पादन किया जा चुका है, जिससे 70 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का लाभ प्राप्त हुआ है। इस तकनीक की महत्ता इस बात से सिद्ध होती है कि यह उत्पादन और लाभ हमें उस कोयले स्रोत से प्राप्त हुआ है, जो कि उचित मुनाफे और तकनीक के अभाव में हमेशा के लिए जमीन के अंदर ही छोड़ा जा चुका था। इस तरह से ये विधि न केवल लाभ की दृष्टि से अपितु देश में मौजूद ऐसे अन्य कोयले के भंडार को
संरक्षित करने में कारगर है। शारदा खदान हाई वॉल पद्धति द्वारा कोयला खनन के क्षेत्र में एक मिसाल कायम कर चुकी है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में हम इस तकनीक का विस्तार कर देश हित में नई ऊंचाइयों को छूते हुए आगे बढ़ते रहेंगे।